हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। इट्स मी जनमनी सुनवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं मंदिर और इस मंदिर का नाम है मालिनी थान मंदिर। सो हम अभी मंदिर पहुंच चुके हैं और हम बहुत ही सवेरे सवेरे निकले थे ना, इस वजह से हमने मंदिर में जो भी दिए वगैरह चाहिए होते हमने नहीं लिया था। सो हमने यहीं से हमने दिए वगैरह ले लिए और ये दुकान दिखने में इतनी प्यारी लग रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के आपको बैग दिखने के लिए, बहुत ही वेराइटीज़ के बैग थे, हैट्स थे जो बचपन में पहनते थे, बहुत ही कलरफुल वाले थे, माता रानी की चुनियाँ थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, चूड़ियाँ भी थी, मतलब बहुत ही प्यारी सी दुकान थी ये। तो वो ये दुकान बहुत पसंद आया, सो हमने यहीं से हमने सारी सामान ले ली जो भी भगवान को चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमने ये सामान वगैरह ले लिया और यहाँ पे सिर्फ ये दुकान नहीं थी, काफ़ी 10 या 15 दुकान थी, एक ही लाइन में बैठी हुई थी। सो बहुत ही प्यारा लग रहा था दुकानें। सो यहाँ पे अभी मंदिर जाने से पहले हमने टिकट ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। फिर ये है एंट्रेंस मंदिर का, जो कि बहुत ही प्यारा है। हम लोग फटाफट से गए अंदर में और जाके देखा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा पार्क जैसा भी बना हुआ है और ना ये मंदिर ना एकदम पहाड़ के ऊपर है। सो ये मंदिर लिकाबली में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर में है। सो मालिनी थान के साथ कृष्ण जी की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जब रुक्मिणी जी से शादी करना चाहते थे और रुक्मिणी जी के पिताजी इस शादी के खिलाफ थे, तब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया था और वो अपहरण करके उनको द्वारिका लेके जा रहे थे। द्वारिका लेते जाते समय वो इस स्थान पे आके रुके हुए थे जहाँ पे पार्वती माँ और शिव जी तपस्या कर रहे थे, और फिर पार्वती माँ ने कृष्ण जी का स्वागत फूलों की हार से की थी और कृष्ण भगवान को वो फूलों का हार बहुत ही पसंद आया था, उनकी खुशबू बहुत उसको अच्छी लगी थी, उनको अच्छी लगी थी। सो इसी वजह से इस स्थान का नाम मालिनी रख दिया था, मालिनी फूल होता है जिसका मतलब। सो अभी इस स्थान का नाम है मालिनी थान और यहाँ पे दो थान है, एक है यहाँ पे मालिनी थान जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं और सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे है रुक्मिणी थान। सो चढ़ते चढ़ते अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पे फटाफट हम लोग ने अपने जूता वगैरह खोल लिया और हाथ पैर वगैरह धो लिया। हम फटाफट से हम मंदिर के दर्शन करेंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। ऊपर में और भी चढ़ाई है। सो हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस मंदिर, क्योंकि आप कहीं भी मंदिर वगैरह जाओ ना, आपके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति जैसा फील होता है। सो बहुत अच्छा लग रहा था, मन में बहुत शांति मिल रही थी यहाँ आके। सो हम फटाफट से भी दर्शन करते हैं, फिर आप কৃষ্ণ আর রুক্মিণী হেন তাত কথা পাতিছিল হেন। মেরে হাত মে নেই রে, सो अब हमारा पूजा वगैरह हो चुका है, अब हम जाएंगे मालिनी थान और ये मंदिर के पीछे के साइड का है, पीछे के साइड से जाते हैं एक्चुअली वहाँ पे। और यहाँ की जो टेंपल की जो आर्किटेक्चर है ना, सब ओडिशा स्टाइल जैसा मुझे लग रहा था, काफ़ी सुंदर सुंदर पत्थरों पे उन्होंने डिज़ाइन वगैरह करके रखा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में। और यहाँ पे ना बीचों बीच एक कुआं है, वहाँ पे शायद लोग विश मांगते हैं, वहाँ पे पैसे मतलब डले हुए थे और बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ विश मांगो तो पूरी हो जाती है, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने छोटी 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 वीडियो क्लिप हर जगह के कर लिए थे। और अब हम जा रहे हैं रुक्मिणी थान, जो कि पहाड़ों के ऊपर है। सो इस साइड से हम जा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी जंगल 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 लग रहा है ना, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वर्थ सीइंग एंड द प्लेस इज़ सो पीसफुल, सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, सो काफ़ी मतलब दिल को शांति सुकून जैसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कुछ इस तरह का पहाड़ वहाड़ का थोड़ा मतलब सीन वगैरह देखा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चढ़ते चढ़ते हम रुक्मिणी थान पहुंच गए थे और थोड़ा बहुत थक गए थे, मम्मी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सीधा रास्ता था नहीं, चढ़ाई चढ़नी थी, तो इस वजह से वो थोड़ी थक गई थी, तो वो लास्ट में आ रही थी धीरे धीरे, तो मैं पहले ही पहुँच चुकी थी। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर लोगों ने मन्नत की चुनिया बांधी हुई है माता रानी की,
काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में, मैंने नहीं बांधा, पता नहीं क्यों, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं बांधा। फिर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो पक्का बांधूंगी। और हमने फटाफट से मंदिर के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद हम निकल पड़े थे। फिर हमको भूख लगे था रास्ते में और हमने खाया ये छोला चना, जो बॉईल मतलब मटर को बॉईल करके ये लोग छोला बनाते हैं, घुघनी बोलते हैं हमारे में, वो खाया। फिर हमने कच्चा चना खाया, साथ में थोड़ा पानी पूरी खाया क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई थी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, सो ये खाया। सो या दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन पहले मिले। सो फिर मिलते हैं आपसे सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बाय।